स्टडिंग क्रॉसिंग ओवर। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं लिंकेज और लिंकेज के टाइप्स पर हम लोग स्टडी कर चुके हैं। आज स्टडी करने वाले हैं क्रॉसिंग ओवर। सबसे पहला पॉइंट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर और क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट का क्या नाम है। तो क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन करने वाले साइंटिस्ट का नाम है T.H. Morgan। T.H. Morgan ने बताया ये जो क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है वो मियोसिस वन के प्रोपेस वन के पेकेटिंग स्टेज में होती है। लेकिन याद रहे ये क्रॉसिंग ओवर पेकेटिंग स्टेज में तो होती है लेकिन कभी भी ये पेकेटिंग स्टेज में विजिबल नहीं होती, मतलब पेकेटिंग स्टेज में ये दिखाई नहीं देती, ये हमेशा डिप्लोटिंग स्टेज में ही दिखाई देती है। अब पेकेटिंग स्टेज में ये दिखाई क्यों नहीं देती, तो पेकेटिंग स्टेज में जो होती है दोनों क्रोमोसोम के बीच में, दोनों क्रोमोसोम के मिडिल पोर्शन में अट्रैक्शन फोर्स काफी हैवी होती है जिनके कारण से ये जो होती है क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं देती। लेकिन जैसे क्या होंगे दोनों क्रोमोसोम्स के बीच जब अट्रैक्शन पावर कम होगा, तो अट्रैक्शन पावर जब कम होती है तो डिप्लोटिंग स्टेज में ये क्रॉसिंग ओवर हमें दिखाई देती है। लेकिन पहला पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर हमेशा मियोसिस वन के प्रोपेस वन के पेकेटिंग स्टेज में होती है लेकिन विजिबल होती है डिप्लोटिंग स्टेज में। चलिए T.H. Morgan ने क्रॉसिंग ओवर को डिफाइन कैसे किया, तो देखिए अ फिजिकल एक्सचेंज ऑफ पार्ट ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स व्हिच रिजल्ट इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ लिंक्ड जीन इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होगा, तो देखिए क्रॉसिंग ओवर हमेशा होती है होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में। अब सबसे पहला पॉइंट हमें समझना होगा कि नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स या होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या हैं। तो देखिए यहां पर मैं दो क्रोमोसोम बनाया हूं, ये दोनों क्रोमोसोम दिखने में क्या है सेम है, ये दोनों क्रोमोसोम्स अगर दिखने में सेम है तो इसको बोलूंगा मैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और ये दोनों भी क्रोमोसोम दिखने में सेम है तो इसको भी मैं बोलूंगा सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, तो होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों क्रोमोसोम दिखने में क्या है सेम है। लेकिन अगर मैं दोनों क्रोमोसोम्स की अगर कंपेयर करूं तो देखिए ये क्रोमोसोम और ये क्रोमोसोम दोनों क्या है दिखने में अलग अलग है, और अगर ये दिखने में अलग अलग है तो इसको मैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहूंगा। तो हमें सबको पता होना चाहिए तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हमेशा क्रॉसिंग ओवर होगा। अब आप सोच रहे होंगे ये क्रोमोसोम्स और ये क्रोमोसोम दिखने में क्या है अलग अलग है, मतलब ये दोनों भी नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं तो इनके बीच क्रॉसिंग ओवर क्यों नहीं होगा। तो याद रहे क्रॉसिंग ओवर केवल नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में होती है, लेकिन ऐसा नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो एक दूसरे के बहुत पास हो, जो क्रोमोसोम एक दूसरे के पास होते हैं उन्हीं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्या होती है क्रॉसिंग ओवर होती है। लेकिन जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या होते हैं एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, इनके बीच कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। तो सबसे पहले ये डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा, ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में हमेशा क्रॉसिंग ओवर होती है। तो सेकंड डायग्राम देखिए, दोनों ये क्या है होमोलोगस क्रोमोसोम्स है लेकिन होमोलोगस क्रोमोसोम की जब ये नॉन सिस्टर क्रोमोसोम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के साथ जब अटैच होते हैं तब यहाँ पर एक पॉइंट्स का फॉर्मेशन होगा, उस पॉइंट्स को हम लोग एज मेटा कहते हैं। तो इन्हीं की एज मेटा के थ्रू पेरेंटल क्रोमोसोम्स के मतलब पेरेंटल क्रोमोसोम के जीन जो होते हैं वो मटेरियल वो क्या होते हैं, मतलब ये दोनों क्या है पेरेंटल क्रोमोसोम है और पेरेंट अर्थात मैं कह सकता हूं ये क्या है पेटर्नल क्रोमोसोम्स है और ये क्या है मेटर्नल क्रोमोसोम्स है। तो पेटर्नल क्रोमोसोम्स के जीन कहा जाते हैं मेटर्नल में, और मेटर्नल क्रोमोसोम्स के जीन जो होते हैं पेटर्नल क्रोमोसोम में ट्रांसफर होते हैं, इसी प्रोसेस को हम लोग क्रॉसिंग ओवर कहते हैं क्योंकि यहां पर जीन्स जो होते हैं एक्सचेंज हो रही है। लेकिन ये स्टेज है पेकेटिंग स्टेज, पेकेटिंग स्टेज में इन दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स काफी ज्यादा होती है, इस कारण से हमें यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं देती है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर यहाँ पर होती है, लेकिन दोनों के बीच जब क्या होती है अट्रैक्शन फोर्स जब कम होती है, जब डिप्लोटिंग स्टेज आती है तो यहाँ पर हमें क्रॉसिंग ओवर क्या होती है विजिबल होती है। देखिए क्रॉसिंग ओवर होने के बाद डायग्राम थर्ड हमें क्या बताता है, तो डायग्राम थर्ड में लिखा हूं एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट, जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो इनके सेगमेंट्स एक्सटेंड होंगे। देखिए इनके जो यहाँ के जो सेगमेंट थे वो यहाँ चले गए और यहाँ के सेगमेंट जो है वे यहाँ आ गए। देखिए यहाँ के जो सेगमेंट थे वो यहाँ चले गए और यहाँ के सेगमेंट यहाँ चले गए,
ऐसा यहाँ पर हो रहा है कि नहीं, तो इससे हम ये देखते हैं कि एक्सटेंड अप क्रोमोसोम सेगमेंट, इनके जो सेगमेंट हैं वो एक्सटेंड हो चुके हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब मैं बताता हूँ कि क्रॉसिंग ओवर के कितने इंपॉर्टेंट स्टेज होती हैं और क्रॉसिंग ओवर के क्या इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस है। हम लोग क्रॉसिंग ओवर का इंपॉर्टेंट इंट्रो देखे हैं, अब देखते हैं प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर या स्टेप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो होती है कब कंप्लीट होती है, तो पहला पॉइंट मैं डिफाइन कर चुका हूं। क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या होगा, तो मियोसिस वन के प्रोपेस वन के पेकेटिन स्टेज में पेटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम्स के मध्य जीनों की अदला बदली या जीनों का एक्सचेंज ही क्रॉसिंग ओवर है। तो देखिए क्रॉसिंग ओवर के कितने स्टेप्स होते हैं। नंबर वन में लिखा हूं प्रोलेप्टोटीन, नोटिस कर सकते हैं प्रोलेप्टोटीन, फिर मैं लिखा हूं लेप्टोटीन, फिर मैं लिखा हूं जाइगोटीन, फिर मैं लिखा हूं पेकेटिन, फिर मैं लिखा हूं डिप्लोटीन, फिर मैं लिखा हूं डाइकाइनेसिस। तो क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस जो होती है वो पेकेटिन स्टेज में कंप्लीट होती है, लेकिन कभी भी पेकेटिन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर दिखाई नहीं देती, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है वो डिप्लोटीन स्टेज में दिखाई देती है। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं कि प्रोलेप्टोटीन स्टेज में क्या होता है। तो देखिए प्रोलेप्टोटीन स्टेज में ये मान के चलो ये क्या है, पेटर्नल क्रोमोसोम में मैं शो किया हूं पी से और एक मैं शो करता हूं एम, एम का मतलब होता है मैटर्नल क्रोमोसोम्स। तो प्रोलेप्टोटीन स्टेज में केवल पेटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वे हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देते हैं, ये केवल हमें धागे नुमा संरचना के रूप में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपको याद रखना होगा कि क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोलेप्टोटीन स्टेज होती है, इस स्टेज में पेटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, केवल हमें ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट आती है लेप्टोटीन स्टेज, तो लेप्टोटीन स्टेज में हमें क्या होगा, तो लेप्टोटीन स्टेज में डायग्राम आपको चेंज करना होगा। लेप्टोटीन स्टेज में क्या होगा, तो पेटर्नल क्रोमोसोम्स के अंदर पाए जाने वाले क्रोमोमियर्स, इनके सेंट्रोसोम्स, ये पेटर्नल हुआ और ये क्या हुआ मैटर्नल हुआ। तो पेटर्नल क्रोमोसोम्स के क्रोमोमियर्स और सेंट्रोसोम्स हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, प्रोलेप्टोटीन स्टेज में पेटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, मतलब हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन लेप्टोटीन स्टेज में देखते हैं तो इनके क्रोमोमियर्स, जिसको हम लोग जीन्स कहते हैं, इनके सेंट्रोसोम्स, तो इनके क्रोमोमियर्स और सेंट्रोसोम्स हमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट स्टेज का नाम है जाइगोटिन स्टेज। तो जाइगोटिन स्टेज में क्या होगा, तो जाइगोटिन स्टेज में क्या होते हैं, तो ये पेटर्नल क्रोमोसोम्स और ये मैटर्नल क्रोमोसोम्स के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, अट्रैक्शन पावर, आकर्षण बल काम करती है, जिसके कारण से ये पेटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम जो होते हैं एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं। अब अटैच हो जाते हैं तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सिनैप्सिस। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि क्रॉसिंग ओवर के किस स्टेज में सिनैप्सिस का फॉर्मेशन होगा, तो क्रॉसिंग ओवर का जाइगोटिन के स्टेज में ये पेटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम जो होते हैं एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं और सिनैप्सिस का फॉर्मेशन करते हैं। फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट लिखा हूं क्या, जाइगोटिन के बाद क्या आएगा, पेकेटिन स्टेज। इस स्टेज में क्या होगा, तो इस स्टेज में देखिए तो ये पेटर्नल क्रोमोसोम्स और मैटर्नल क्रोमोसोम जो होते हैं वो डिवाइड होने लगते हैं। तो पहले ये दो थे लेकिन डिवाइड होकर ये क्या करते हैं, चार इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती हैं, फोर इंपॉर्टेंट क्रोमोसोम्स का फॉर्मेशन करती हैं। इस स्टेज को हम लोग बोलते हैं टेट्राड स्टेज, टेट्राड स्टेज कहते हैं। और याद रहे टेट्राड स्टेज, इनके बीच काफी अट्रैक्शन पावर्स काफी अधिक होती हैं, जिनके कारण से यहाँ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के मध्य क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर होगी। लेकिन ये क्रॉसिंग ओवर हमें कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि ये सबके सब आपस में क्या है, अटैच है। लेकिन नेक्स्ट स्टेज आती है डिप्लोटिन स्टेज आती है। तो डिप्लोटिन स्टेज में देखिए क्या होगा, पेटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम, देखिए ये है दोनों पेटर्नल क्रोमोसोम्स और ये होगा मैटर्नल क्रोमोसोम। पेटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम्स क्या हो रहे हैं, यहां पर देखिए इन दोनों के बीच क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स जब कम होती है तो पेटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखिए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच क्या बना है, कियेस मेटा,
गेज मेटर हमें किस स्टेज में दिखाई दे रहे हैं, तो गेज मेटर जो होती हैं डिप्लोइडिन स्टेज में दिखाई देती हैं। और अगर यहां पर गेज मेटर का फॉर्मेशन हुआ है तो 100% हम कह सकते हैं यहां पर जीन्स जो होते हैं एक्सचेंज हो रहे हैं, क्योंकि पैटर्नल क्रोमोसोम्स के जीन कहां जा रहे हैं मैटर्नल में, और मैटर्नल क्रोमोसोम्स के जीन कहां जा रहे हैं पैटर्नल में। ये प्रोसेस है डिप्लोइडिन स्टेज में, देखिए क्रॉसिंग ओवर हमें दिखाई या क्रॉसिंग ओवर विजिबल है, लेकिन जब दोनों के बीच क्या होती है क्रॉसिंग ओवर जब कंप्लीट हो जाती है तो डाइकाइनेसिस स्टेज में ये जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वे अपने ओल्ड फॉर्म में वापस लौट आते हैं या ओल्ड फॉर्म में रिटर्न हो जाते हैं। और यहां पर भी हमें क्रोमोसोम जो होती है वो हमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिखाई देती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट कर सकते हैं, स्टेप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की इंपॉर्टेंट 6 स्टेप्स होती हैं। नंबर 1 प्रोलेप्टोटिन, नंबर नेक्स्ट लेप्टोटिन, नंबर 3 जायगोटिन, नंबर 4 फेगोटिन, नंबर 5 डिप्लोइडिन और नंबर 6 डाइकाइनेसिस। लेकिन क्रॉसिंग ओवर की जो प्रोसेस होती है वो कहां होती है, तो फेगोटिन स्टेज में होती है, क्योंकि यहां पर क्रोमोसोम जो होते हैं टेट्राड फॉर्म में होते हैं, टेट्राड स्टेज में होते हैं, लेकिन इनके बीच अट्रैक्शन पावर बहुत ज्यादा होती है, इनके कारण से हमें यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर विजिबल नहीं होती। लेकिन जब इनके बीच अट्रैक्शन पावर कम होती है तो यहाँ पर पैटर्नल और मैटर्नल क्रोमोसोम जब एक दूसरे से अलग होते हैं तो इनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होगा, केज मेटर का फॉर्मेशन होगा, और यही केज मेटर में क्या होती है, जीन एक्सचेंज होती है, मतलब क्रॉसिंग ओवर जो होती है हमें डिप्लोइडिन स्टेज में ही विजिबल होती है। और डाइकाइनेसिस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर के बाद ये जो क्रोमोसोम जो होते हैं वे अपने ओल्ड फॉर्म में वापस लौट आते हैं। तो ये रहा क्रॉसिंग ओवर का इंपॉर्टेंट लेक्चर। कहीं पर भी अगर आपको डाउट हुआ होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। अगर यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को आप अपने मित्रों में शेयर कीजिए। अब हम आगे डिफाइन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में लेकर, बहुत जल्दी आने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।